Assalamualaikum viewers, welcome back to Kisa's vlog. उम्मीद है आप खुश होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे. तो आज हम लोग आए हुए हैं NED यूनिवर्सिटी, किसी काम से आए थे हम लोग. लेकिन यहाँ पे जब हम लोग घूमने लगे, इतना बड़ी है ये जगह. अब हम लोग कैफेटेरिया तो नहीं, हम लोग क्या कहेंगे कैंटीन में बैठे हुए हैं. और अब हम लोगों ने कुछ खाया पिया है, अब हम आगे सफ़र करेंगे और साथ आपको भी लेकर चलेंगे. तो यहाँ पे हम लोग जब घूमने लगे तो इतनी बड़ी है ये जगह माशाल्लाह से. और यहाँ पे अब हम लोग घूमेंगे क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे कैंटीन में, तो हम लोगों ने सोचा कुछ खा लें. स्कूल से डायरेक्ट गए थे हम लोग. उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कुछ खा लें. तो जब खाने लगे तो हमने कहा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं, इतना बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करते हैं. तो एक्सप्लोरिंग में हम भी आपको साथ लेंगे. ठीक है, अब हम जा रहे हैं कैफेटेरिया क्योंकि जो बहुत बढ़िया, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ इसका. ये इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे काफ़ी क्लीन माहौल है. और यानी प्लांट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तरीके तरीके के आपको यहाँ प्लांट्स दिखेंगे. प्लांट्स हैं लेकिन फिर भी क्लीननेस है क्योंकि अक्सर जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ क्लीननेस नहीं होती, यहाँ पे फिर भी काफ़ी क्लीननेस है. जो पार्किंग हम लोगों ने की है वो विजिटर्स एरिया में की है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो गाड़ी वगैरह अंदर ला सकते हैं. और सिर्फ अभी हम लोगों ने यहाँ पार्किंग की है. और इसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ के अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे जगह है, बहुत क्लीन जगह है. चलो, इतना बड़ा है मैं चल चल के थक गई हूँ. कई गुना बढ़ गया, कुछ भी नहीं है उसके सामने.
मैं बता रही है कराची यूनिवर्सिटी इससे कई गुना बड़े हैं, जबकि ये यूनिवर्सिटी एनडी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, बस क्या बताऊँ कि हम लोग चल चल के चल भी ना पाए पूरी यूनिवर्सिटी, बल्कि दो दिन लग जाए हमें चलते 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 ख़त्म ही ना हो, और कराची यूनिवर्सिटी इससे कई गुना बड़ी। किसी ने अभी वो एक शेक लिया था, चॉकलेट शेक था ना, तो उतने मज़े का शेक था। एक मिनट ये देखिए, तो अभी मैं वो चॉकलेट शेक लेने जा रही हूँ। अब हम तो इधर आ गए हैं, पहले अब इतना क्रॉस करके आए, फिर हमें मुझे ख्याल आया कि मुझे वो भी लेना है चॉकलेट शेक, तो मैं वो लेने जा रही हूँ, तो मैं भाग के वाले चलती हूँ। ठीक है, चॉकलेट शेक दे दे, एक क्या? एक चॉकलेट शेक दे दे। चॉकलेट शेक? जी शेक बोला, चिक बोला, शेक शेक एक चॉकलेट शेक दे, उधर से दे दे। मैं चॉकलेट शेक समझ रहा हूँ। अच्छा, इधर दे दे चॉकलेट शेक, चॉकलेट शेक खत्म। वो कह रहे हैं खत्म हो गए हैं, चॉकलेट शेक खत्म हो गया, बनाना शेक ले रहा हूँ। अभी मैं कैंटीन गई तो उन्होंने कहा कि चॉकलेट जो शेक बनाने वाले थे उनकी छुट्टी हो गई और चॉकलेट शेक नहीं बन रहा। इतनी दूर हम लोग पहले वापस गए, उसके बाद वापस इधर आए कैंटीन की तरफ, अब दोबारा जा रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं था। वॉकिंग हो गई हमारी फ्री। कूर के साथ बैठी हैं, असल में उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो हमारे साथ नहीं गई, और अभी वो कहेगी कि तुम लोग ख्वार हो गए। इतना दूर हम लोग चल कर आए हैं कैंटीन, कितना बहुत यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तो होगी, तो सोचे इसे चलना पड़ रहा है। मेरे तो टांगों में भी दर्द हो रहा है, शेक की वजह से आई थी, शेक तो ख़त्म ही हो गया। एक्शन हो रही है कोई, आई थिंक कोई एक और अपार्टमेंट बन रहा है, तो ये थोड़ा सा ब्लॉक्ड लग रहा है अंदर की तरफ से, तो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। पीछे ही चले गए वापस। अच्छा हाँ, इतनी सारी कैंटीन है ना वहाँ पे, तो वो भी कैंटीन है, तो लोग वहाँ पे गए, मैं भी आती हूँ। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट से आ रहे हैं पढ़ के, और अब घर की तरफ जा रहे हैं। यमुना के साथ ज़रा फ्रेश होने के लिए गई हुई हैं, मैं बैठी हुई हूँ उनके इंतज़ार में। शाम का वक्त हो रहा है, take my hand and we'll go away to a different place, float on air and we'll hide away, I'll be your escape। अभी तो हम लोगों ने इधर की एक साइड कवर की है, ठीक है,
एक पट्टी कवर की है हम लोगों ने ये वाली, और अभी वहाँ पे आगे जाके जो है ना जहाँ पे हमें काम था, हम लोगों को वहाँ पे इतना दूर आगे जाके हम लोगों को वहीं पर काम था। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और कितने एक मिनट साइन लगा हुआ है ना। वहाँ पे मैप लगा हुआ है, मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी की लोकेशन कहाँ है, हम लोग अभी कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ से आए थे, इस वाली मेरे ख्याल से इस रोड पे हम इस वाली पे पट्टी पर शायद यहाँ से आया, ये एंटर हुआ। अच्छा ये एंट्री है, अभी हम लोग यहाँ पर नहीं है ना, ये साइन रेड सा दिख रहा है, हम इन्होंने वो डाल देना चाहिए था जो है ना लोकेशन का, इसकी पिक्चर भी जी। अभी मम्मा और मैं मैप देखने में लगे हुए, और किस साहब ने टूर आगे चल लिया तो पीछे उड़कर तक ही देखा उसने पीछे चलती चली जा रही है, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इतनी दूर जाके देखा है, अब जाके देखा है इतनी दूर चलती हुई आगे टूर चल लिया बिल्कुल अपना मगन, पता नहीं क्या सोचो मैं चली चली आ रही। यहाँ से हम अभी आए, ये देखिए इसका पार्किंग ग्राउंड कितना बड़ा है, ये जो है ना बिजी डेज में और कोई इवेंट वगैरह होता है कोई बड़ा यहाँ पे तो खचा खच पूरा भरा हुआ होता है। एंटर तो हम लोग मेन गेट से हुए थे, लेकिन अब एग्जिट हम दूसरे गेट से कर रहे हैं, जो मेन गेट था वो बंद था, तो यहाँ पे काफ़ी रश है। और काफ़ी अच्छा रहा हमारा एलईडी का फर्स्ट एक्सपीरियंस, और यहाँ एलईडी के बराबर वे कराची यूनिवर्सिटी है, एलईडी के बराबर में कराची यूनिवर्सिटी है, नहीं बुक फेयर है, अब बहु देखिए गाड़ी के पीछे बच्चे का जूता लटक रहा है, एक्सपो ये मेरे ख्याल से इस्लामी जमात इस्लामी की तरफ से है।
तो जरूर जाना चाहिए। और हाँ व्यूअर्स, अगर एक्सपो सेंटर में बुक फेयर लगेगा तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे आपको साथ लेके ज़रूर जाएंगे और आपको भी वहाँ घुमाएंगे।